आप देख रहे हैं चेन्नई लाइव। हर खबर के साथ आज की विशेष खबर। आगामी 10-11 नवंबर को महाछठ पर्व मनाने की जोरदार तैयारियों को लेकर उत्तर भारतीय मोर्चा भारतीय जनता पार्टी थाने शहर जिला अध्यक्ष शैलेश मिश्रा ने आज प्रदेश प्रभारी श्रीमती श्वेता सालनी और भाजपा गट नेता मनोहर डुमरे के सानिध्य में आगामी छठ पर्व के लिए थाने महानगर पालिका आयुक्त डॉक्टर विपिन शर्मा को दिया निवेदन। निवेदन में छठ पूजा मनाने के लिए शैलेश मिश्रा ने किन किन समस्याओं को लेकर थाने मनपा आयुक्त डॉक्टर शर्मा से छठ मैया के भक्तों को अस्वस्थ करने का आग्रह किया, आगे देखिए पूरी खबर। आने वाले 10 और 11 तारीख को उत्तर भारतीय समाज छठ पूजा मनाता है। थाने में बहुसंख्य उत्तर भारतीय समाज रहता है और वो कई सुविधाओं से वंचित रह जाता है। इसलिए हमने आज कॉरपोरेशन में आयुक्त जी को ये निवेदन किया है कि थाने में जितने भी तालाब हैं उनको उनकी साफ सफाई और वहाँ पे पूरी व्यवस्था की जाए ताकि उत्तर भारतीय समाज खासतौर पे जो महिला तालाब के किनारे छठ पूजन सूर्य देवता को अर्घ चढ़ा के करती हैं और पानी में उतर के आधा पानी में उतर के भी वो अपने सूर्य देवता को अर्घ देती हैं, उस समय पर कोई भी अवघात न हो इसके लिए उनको यथोचित सुरक्षा व्यवस्था करने का निवेदन किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पे सुरक्षा पुलिस सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर के पास में भी निवेदन दिया गया है और वहाँ पे पुलिस म्युनिसिपल कमिश्नर को ये भी कहा गया है कि वो एक कमेटी बनाए जो हर साल छठ पूजा नियोजन करने के लिए अपनी कोई एक कायम की व्यवस्था कायम करें ताकि और उसमें उत्तर भारतीय सदस्य हो। दूसरी जो अहम बात, वहाँ पे हमारी प्रदेश प्रभारी श्वेता शालिनी जी आई थी हमारे साथ में, उन्होंने एक अच्छा निवेदन किया कि वहाँ पे पोर्टेबल मूवेबल शौचालय की व्यवस्था होनी बहुत आवश्यक है और ये सब निवेदन हम लोग ने इसलिए किया है कि ये पूरा त्यौहार सहज रूप से मनाया जा सके। धन्यवाद।